ऑप्शन ए दिस इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहां पर दिया हुआ है एन ऑन स्टूडेंट्स 2019 में क्वेश्चन आपका ये जो प्रीवियस इससे पहले हमने हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं जितेंद्र चांदवानी जितेंद डायरेक्टर मोशन एजुकेशन नीड डिवीजन कोटा जैसा कि योद्धा रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए और इस पार्ट में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट फाइव ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा और साथ में उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट वो मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि लास्ट अगर फाइव ईयर सिक्स ईयर सेवन ईयर्स की बात की जाए तो ये एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन ही जनरली आपसे पूछे जाते हैं ऐसा ट्रेंड हमने देखा है ऐसा ही होगा ऐसा मेरा कोई स्टेटमेंट भी नहीं है और कमिटमेंट भी नहीं है बट जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देख रहे हैं कि जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं या तो सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या उसी सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछे जाते हैं तो लास्ट फाइव ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करके और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आपको डिलीवर करने का जो टारगेट हमारा है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें और एक शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के थ्रू आप अपने पार्ट को इस थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए बस यही टारगेट है और इसी टारगेट के साथ में स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यस हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव एल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर्स मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं

मतलब इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि एल्काइन का यहां पर हमें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करना है हमें इसका करना है पार्शियल हाइड्रोजनेशन और पार्शियल हाइड्रोजनेशन की अगर बात की जाए तो एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हुए एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं एक तो हम बात करते हैं मेटल प्लस एच टू और दूसरा बात करते हैं बर्च रिडक्शन जिसमें हम बात करते हैं सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन जरा आप देख सकते हैं ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया ये तो कौन सी रिएशन हो गई बर्श रिडक्शन जिसमें अल्काइन इज कन्वर्टेड इंटू अल्कीन मतलब अल्काइन का यहां पर होता है पार्शियल रिडक्शन सेकेंड आप देखो इसमें एच टू प्लस ध्यान देना एच टू प्लस पेलीडियम अगर आप ओनली लेते हैं तो इस केस में तो अल्काइन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है और ये अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन अगर आपको दिया है यहां पर क्विनोलिन जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप पेलीडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आप सभी जानते हैं कार्बोनेट पर और वो पॉइंट होता है तो ऐसे केस बात करते हैं कि, है, पर, है, तो करते हैं कि यहां पर अगर आप कैटलिस्ट के लिए पॉइजन मिक्स कर रहे हैं तो इस केस में रिडक्शन कंप्लीट ना होकर पार्शल होता है तो हम बात कर सकते हैं ये तो बर्फ रिडक्शन से रिलेटेड ऑप्शन हो जाएगा और ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा लेडलास कैटलिस्ट से रिलेटेड इसका मतलब इन दोनों में कह सकते हैं कि जो रिडक्शन होगा वो पार्शियल रिडक्शन होगा लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब प्रोडक्ट आप एल्किन बना रहे हैं तो आप देखो जो एल्किन यहां पर आपको गिवन है दैट इज स्पेसिफिकली आपको दिया है और जैसे कि हम बात करते हैं कि मेटल की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं अल्काइन का यानी कि कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन जो आप करते हैं वो सेम एडिशन होता है मतलब हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से होता है और क्या हम बात कर सकते हैं अगर यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड से होगा तभी तो प्रोडक्ट आपको एल्किन मिलेगा मतलब हमारा टारगेट है कि जो हाइड्रोजनेशन होना चाहिए वो सिन एडिशन होना चाहिए जबकि कैटलिस्ट की 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 अगर अगर बात बात जाए जाए जबकि बर्च अगर बात की जाए, तो बर्च रिडक्शन 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 तो में जो होता है उसमें प्रोडक्ट आपको दोनों मिलते हैं सिस एंड ट्रांस और इवन हम बात कर सकते हैं कि ट्रांस इज फॉर्मडे मेजर प्रोडक्ट क्योंकि बर्च रिडक्शन में अगर बात की जाए तो दोनों तरह के एडिशन हमें मिलते हैं सिन एंड एंटी एडिशन अब क्योंकि हमें ट्रांस एल्किन नहीं बनाना है इसलिए हम बर्थ रिडक्शन को अवॉइड करेंगे क्योंकि वहां पर ट्रांस एल्किन ही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है तो सिस एल्किन फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट रीजन हम यहां पर यूज कर सकते हैं दैट इज ऑप्शन फोर क्लियर चलिए तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए विद द रिलेटेड कंसेप्ट ताकि कंसेप्ट भी आपके पक्के होते रहे अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन 24 में अगर आपसे पूछा जाए तो हम इस बात को आज इंश्योर कर पाए कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको दिया हुआ है देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का यह एक नेगेटिव पॉइंट मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बहुत फ्लो में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और फ्लो में क्वेश्चन पढ़ने की वजह से जो क्वेश्चन के की होते हैं उन की को कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं और इसीलिए क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स ये तो इंपॉर्टेंट है ही नीट के लिए कि हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए दैट इज द प्राइमरी फैक्टर लेकिन कुछ ऐसे सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं जिनके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा ताकि आप अपना बेस्ट दे पाए नीट ट्वेंटी के लिए और सेकेंडरी फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो रीडिंग एरर आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको पेपर के टाइम पर रहना है ये कुछ ऐसे सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी फैक्टर्स में अगर एड ऑन हो जाए तो यू विल रॉक चलिए नीट ट्वेंटी के लिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है नीट ट्वेंट ट्वेंटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है एन एल्किन ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड जिंक एंड वॉटर रिएक्शन है यस इट इज ओजोनोलाइसिस जरा देखो यहां पर आपको बोला जा रहा है ये एल्कीन ए हमारे पास है जिसकी रिएक्शन हमने करवाई है यहां पर ओजोन के साथ में फॉलोड रिएक्शन विथ वॉटर इन जिंक राइट ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें, इट गिव्स प्रोपेनोन एंड ईथेनॉल क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं यहां पर प्रोपेनोन एंड इथेनॉल जैसा कि आप जानते हैं कि एल्किन का जब हम ओजोनलाइसिस करते हैं और अगर यहां पर जिंक प्रेजेंट है तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन ऐड करेंगे यह ओजोनलाइसिस का बेस्ट शॉर्टकट है जब भी एल्किन का आप ओजोलाइसिस कर रहे हैं दैट इज रिएक्शन रिएक्शन विद विद ओजोन फॉलोड बाय वाटर इन जिंक जिंक की अगर प्रेजेंस आपको दी हुई है तो फिर तो बेस्ट है आप शॉर्टकट यूज करें डबल बॉन्ड ब्रेक करें ऑक्सीजन ऐड करें और जब डबल बॉन्ड ब्रेक करके आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाले हैं यस yes, दोनों ही पार्ट से आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलने वाला है लेफ्ट पार्ट से भी कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा राइट right पार्ट से भी कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिलेगा अब जैसा कि उसने प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तो प्रोडक्ट हमें मिला है प्रोपेनोन और सेकंड प्रोडक्ट हमें मिला है इथेनॉल अब जरा ध्यान देना अगर हमें एक प्रोडक्ट तो दिया हुआ है और सेकंड प्रोडक्ट अगर हमें दिया हुआ है इथेनॉल तो हम क्या करें इन प्रोडक्ट्स को इस तरह से अरेंज कर दें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एल्किन का जब आप ओजोनलाइसिस करते हैं दैट इज रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय रिएशन विद वाटर इन जिंक तो इस केस में हम शॉर्टकट यूज करते हैं डबल बोन बेक करें ऑक्सीजन ऐड करें तो अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो आपको ये कार्बनइल कंपाउंड मिलते हैं आप जरा सोचिए कि रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर आपको दिए हुए और अगर आपको हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है तो हमें इसका रिवर्स काम करना होगा और रिवर्स काम करने के लिए हम क्या करेंगे ऑक्सीजन हटाओ डबल बोन बनाओ बस इसी तरह से जो प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं प्रोपेनोन एंड इथेनॉल प्रोडक्ट आपको कौन कौन से दिए हुए प्रोपेनोन दिया हुआ है और इथेनॉल दिया हुआ है तो बस यहां पर हम क्या करेंगे प्रोपेनॉल और इथेनॉल लेकर उसमें से ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन ए यहां पर यूज की गई है टू गेट दीज प्रोडक्ट वो एल्कीन आपके पास है यहां पर ये कंपाउंड दिस इज द एल्कीन ए जो कि क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अब आगे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है एडिशन ऑफ एस सी एल टू एल्किन ए गिवीज मेजर प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बी इज ध्यान देना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे ठीक है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे एल्किन नहीं पूछा उसने उसने कहा है कि एल्किन ए जिसके ओजोलाइसिस से हमें प्रोपिनॉन और इथेन मिला है उस एल्किन पर अगर आप एससीएल एड करते हैं उस एल्कीन पर अगर आप एस सी एल एड करते हैं तो उस केस में जब एस एल अगर आपने एड किया है यस जब एस सी एल आपने इस एल्किन पर एड किया तो प्रोडक्ट आपको मिला यहां पर कंपाउंड बी हमें बी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है एंड बी इज एस मेजर प्रोडक्ट चलिए तो इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इस कंपाउंड ए पर जब मैं एस का एडिशन करूंगा तो मुझे कंपाउंड बी मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज द प्रोडक्ट बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बी इज जरा देखो एल्कीन पर एस का एडिशन है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो मेन प्रोडक्ट हम डिसाइड करते, करते हैं या फिर हम कह सकते हैं तो आप देखो, पहले इस H और वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर एड हो सकता है आंसर है इस है और यहां पर भी ऐड हो सकता है लेकिन प्रेफरेबली कहां पर ऐड होगा ये हम डिसाइड करते हैं कार्पोटाइन की स्टेबिलिटी से अगर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट सी एच पर एड होता है तो कार्पेटाइन का फॉर्मेशन सी पर होगा और अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सी पर होता है तो कार्पेटाइन का फॉर्मेशन सी एच पर होगा यस कहां पर कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है जल्दी से डिसाइड करें कार्पेटाइन कहां पर ज्यादा स्टेबल है तो कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा सी पर क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप का प्लस आई एंड प्लस एच

तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो आंसर बनता है ऑप्शन ए दिस इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको यहां पर दिया हुआ है एन एल्किन ऑन ओजोलाइसिस स्टूडेंट्स 2019 में क्वेश्चन आपका ये जो प्रीवियस इससे पहले हमने कंप्लीट किया फिर 2020, 2020 में भी ओजोलाइसिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जैसा कि मैं क्लास में भी ये बात बोलता हूं कि ओजोनोलाइसिस हाइड्रोकार्बन चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इवन आपके एनसीईआरटी में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए तो इस रिएक्शन को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्किन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज आपको वो एल्किन आइडेंटिफाई करना है जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मीथेनल इसका मतलब आप सोचिए देखो हम फिर से वही बात करते हैं एल्कीन का अगर हम ओजोनलाइसिस कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा हम इसमें शॉर्टकट अप्लाई करेंगे डबल वोन बेक करेंगे ऑक्सीजन एड करेंगे और आपको यहां पर बोला जा रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मीथेनल अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास मीथेनल मिलना चाहिए तो मिथेनल मतलब हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा फॉर्मेल हमारे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए और फॉर्मेल हमें मिले उसके लिए क्या मैं कह सकता हूं एल्कीन में दोनों अनसेटेड कार्बन में से किसी एक अनसेचुरेटेड कार्बन पर इड्रोजन होना जरूरी है तभी तो आप सोचिए जब डबल बॉन्ड बेक करके ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें मीथेनल तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मीथेनल। आपको क्या बोला जा रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मीथेनल। तो अब जरा सोचिए ऐसा एल्कीन जिसके वन ऑफ द अनसे कार्बन पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए जरा यहां पर ऐसी को हम सर्च करते हैं और जरा देखो वो एल्किन आपके पास ऑप्शन नंबर टू में जरा देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन एड करेंगे तो ये पार्ट जरा ध्यान देना ये पार्ट आपको मिलने वाला है एज दैट इज दिड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो मिथेनल इज नॉट द प्रोडक्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज जहां एच बी आर गिवन है और साथ में आपको दिया है स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि हम बात करते हैं कि एल्किन एल्काइन की रिएक्शन अगर आप एच बी आर के साथ कराते हैं विदाउट परोक्साइड मैं दोनों रिएशन को पैरेलल में कवर कर रहा हूं ताकि आपका यह कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कोई कंफ्यूजन नहीं कोई मिस्टेक नहीं देख करके आंसर देना है क्योंकि विदाउटक्साइड एंड विद परोक्साइड जो एच की रिएक्शन है वहां पर चेंज हो जाती हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं इसलिए क्वेश्चन करते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको रिएक्शन में परोक्साइड गिवन है या नहीं है जैसा कि यहां पर दिया है, तो फिर तो हम बात करेंगे देखो विदाउटक्साइड अगर बात की जाए तो एल्किन एलकाइन के एचबीआर के साथ में जो कंप्लीट होती है

और यहां पर हम बात करते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग मिलता है या ये कहा जाए कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलता है तो चलिए अगर मैं यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ को अप्लाई करता हूं तो वट इज मार्कोनिक ऑफ रूल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइन्स इलेक्ट्रोफाइल मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर दिस इज मार्कोनिक ऑफ रूल मतलब

और ब्रोमीन यहां पर आएगा यह तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से आपको बताया एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हम रूल या एंटी मार्कोनिक रूल को ब्लाइंडली अप्लाई ना करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां पर

तो एच और ब्रोमिन में पहले एड होने वाला पार्ट क्या होता है यस इट इज इलेक्ट्रोफाइल दैट इज एच प्लस और एच प्लस एड होकर कार्बोटाइन बनता है और उसी कार्बेटाइन से हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होगा जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर प्रोरक्साइड आपको गिवन नहीं होता तो हम H+ पहले ऐड करके चेक करते कि पर ज़्यादा हुआ तो कार्पोट सी एच टू पर बनेगा एच तो कार्बन मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए सी एच टू पर लेकिन जब परऑक्साइड आपको दिया है तो अब आप कार्पोटाइन नहीं अब आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग देखोगे और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ही साथ में यह भी आपको पता होना चाहिए कि जब फ्री रेडिकल से रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एल्किन पर एच और ब्रोमीन में से पहले एड होने वाला जो पार्ट है वो एच नहीं होता है ब्रोमीन होता है दिस इज द की डिफरेंस इन दीज टू रिएक्शन विद परोक्साइड एंड विदाउट परोक्साइड विदाउट परोक्साइड में पहले कौन एड होता है एच जबकि परोक्साइड की प्रेजेंस में पहले एच नहीं पहले ब्रोमीन ऐड होता है मतलब हमें ब्रोमीन ऐड करके देखना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल कहां पर ज्यादा स्टेबल है अब जरा देखो ब्रोमीन अगर पर ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल सीएच पर बनेगा ब्रोमीन अगर सी पर ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल सी पर बनेगा कहां पर फेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्या मैं कह सकता हूं फ्रेडिकल सीएच पर ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये भी तो हम बात करते हैं कि जहां कार्पेटाइन स्टेबल होता है वहीं पर फेडिकल स्टेबल होता है आप सोचिए जब कार्पेटाइनिकल की स्टेबिलिटी की साइड कॉमन है तब भी विथ परोक्साइड विदउटक्साइड में प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों आता है क्योंकि एच और ब्रोमिन के एडिशन का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपको डिफरेंस मिलता है अगर हम बात करें विदाउट विदाउटक्साइड की तो पहले एच और बाद में ब्रोमीन एड होता है जबकि में पहले ब्रोमीन और बाद में एच एड होता है तो परोक्साइड के केस में कंसेप्चुअली क्वेश्चन आंसर देने का जो क्वेश्चन का आंसर देने का बेस्ट वे होता है वो ये होता है कि आप ब्रोमीन एड करके चेक करो कि फ्री रेडिकल कहां पर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ब्रोमिन सीएच टू पर एड होगा तो फ्रेडिकल सी एच पर बनेगा और अगर ब्रोमीन सी एच पर एड होगा तो फ्रेडिकल सी एच टू पर बनेगा

मार्क करते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम जो एरर्स जनरली करते हैं वो ना करें आते हुए क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है अगर हमें कोई कंसेप्ट नहीं आता था और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं बना तो वो हमें इतना परेशान नहीं करता है इतना पेन नहीं देता है जितना आता हुआ क्वेश्चन हमारी स्ली मिस्टेक से गलत होता है तो बच्चों अपनी स्ली मिस्टेक्स को कम करने का ये एक बेस्ट तरीका होता है कि हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें मार्क करें मैं कीवर्ड्स वर्ड्स नॉट करेक्ट

वो टू ब्रोमो पेंटेन जरा देखो टू ब्रोमो पेंटेन की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड हमारे पास है टू ब्रोमो पेंटेन दिस इज टू ब्रोमो पेंटेन और है कि इससे मिलने वाला जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास है दैट इज पेंट टू इन ये प्रोडक्ट हमें यहां पर एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला है अब उसका क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म इज बेस्ड ऑन जैसा कि हम बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर दो तरह के एल्न बनना एक्सपेक्टेड है जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो दिस प्रोसेस इज डीहाइड्रोहेलोजन माइनस एच बी आर रियोअली हम बात करते हैं कि एक्वस में रिएक्शन होती है मेनली और एल्कोहलिक रिएक्शन होती है मेनली टू एक। और ईटू रिएक्शन में क्या होता है बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है ब्रोमिन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा है

अनसे कार्बन ये कहा जाए कि, और कि हम बात करते हैं, इस में अगर आपको बोला जा रहा है कि product, मतलब हमारे पास इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स

एलडियड फॉर्मेशन होता है दिस इज इटार का इंटरमीडिएट आप सभी जानते हैं इटारेशन में इंटरमीडिएट मिलता है हमें यह कंपाउंड दिस कंपाउंड इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट यह कंपाउंड आपको इंटरमीडिएट के फॉर्म में मिलता है जिसका फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं यहां पर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है

आपसे हाइड्रोकार्बन एल्किन उसने पूछा है कि वो कंपाउंड एक्स क्या है जिसके ओजोनोलाइसिस ओजोन ओजोन, तो हमें ये कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे क्योंकि यहां भी उसने फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए एक तो उसने दिया फॉर्मेलिया चलिए ठीक है एक ले, ले लेते हैं और दूसरा उसने क्या दिया है टू मिथाइल प्रोपेनल मतलब जरा देखो दूसरा भी उसने एलडीएड दिया है और वो दिया टू मिथाइल प्रोपेनल यस दिस कंपाउंड इज मिथाइल प्रोपेनल और एक है और से पूछा है कि द कंपाउंड एक्सिस हाइड्रोकार्बन आपको फाइंड करना है तो फिर से वही करेंगे रिवर्स काम करेंगे ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ तो इसका मतलब जो एल्किन आपको यहां पर लेनी होगी वो एल्किन आपको ये लेनी होगी दिस एल्कीन इफ यूज्ड इन द रिएक्शन आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि अगर मैंने ये एल्किन फाइंड किए एज आंसर तो जब मैं इसका ओजनोलाइसिस करूंगा तो ओजनलाइसिस so, ऑक्सीजन नेम क्या होगा डबल वन को प्रायोरिटी देते हुए साइड से नंबरिंग करेंगे तो जाएगा थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन यस थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इसमें अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेजम से प्रोसीड करने वाली रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है जरा देखो फर्स्ट आपको दिया है क्लोरीन एंड अल्ट्रावालेट लाइट जरा क्या मैं कह सकता हूं अल्ट्रावलेट लाइट अगर आपको दी हुई है मतलब यहां पर बॉन्ड हम ब्रेक करने का काम कर रहे हैं फोटोलाइसिस आपको दिया हुआ है और जैसे कि हम बात करते हैं फोटोलाइसिस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस

तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बन सकते अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की जरा देखो थर्ड ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर डायजीनियम सोल्ट आपको दिया हुआ है डायजीनियम सोल्ट आपको दिया हुआ है क्यूप्रस क्लोराइड कौन सी रिएक्शन है यस इट इज सेंडमेयर रिएक्शन जहां पर सीएल ने इस एन को रिप्लेस किया है ये भी अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ

आप इजीली उसे अप्लाई करके रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने इसके दो नेम जो मैं आपको बताने वाला हूं वो अगर आपने याद कर लिया तो आप मेरा नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसका क्या फंक्शन होगा वो आप दो नाम से इजिली बता सकते हैं लुइस एसिड के दो नाम अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो एक तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर और दूसरा हम इसको बोलते हैं हेलोजन कैरियर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर एंड हेलोजन कैरियर मतलब जहां आपको लुइस एसिड दिख जाए आपको दोनों नाम इसके माइंड में एकदम क्लिक करने चाहिए कह रहे ये तो है, ये है। इसका मतलब अगर आपको दिए हुए हैं क्या उन कंपाउंड्स में कहीं पर हेलोजन प्रेजेंट है क्या अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो मानकर चलो लुइस एसिड उस देश में एक ही काम करने वाला हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में उठा लेगा उसको कैरी कर लेगाजन कैरियर और इलेक्ट्रोफाइल मतलब को कैरी करके इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर करने का, का काम करेगा इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर भी बोलते हैं तो एल सी एल थ्री क्या होगा यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल का और यहां से हमें मिलेगा CL और ये फिर रिंग पर अटैक करेगा और एच को रिप्लेस करेगा एच प्लस के फॉर्म में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन फोर नेक्स्ट च ऑफ द फॉलिंग एलकेन के नॉट बी मेड एन गुड इल्ड बाई वर्ड्स रिएक्शन वर्ड रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वॉट इज अट रिएक्शन एल्ल टू मॉलिकल एंड ड्राईर द प्रोडक्ट इज आर आर देखो अगर हम बात करें आर आर की तो आर आर आप कह सकते हैं एक सिमिट्रिकल एल्केन अगर हम यहां पर बात करें देखो एल्केन की दो कैटेगरी बनाते हैं न वॉट इज सिट्रिकल एल्केन एल्न बी डिड इन डिवाइड करें दो रेडिकल आइडेंटिकल रेडिकल एलकेन से बना पा रहे हैं, उसको अगर आप दो आइडेंटिकल रेडिकल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्केन जैसे अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की अगर बात की जाए ब्यूटेन की तो ब्यूटेन एक सिमेट्रिकल एलकेन है क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करते हैं टू गेट टू आइडेंटिकल रेडिकल पार्ट तो बिल्कुल आप इसको सक्सेसफुली डिवाइड कर पाते हैं क्योंकि दोनों पार्ट को अगर आप देखेंगे क्योंकि इसे आप दो आइडेंटिकल रेडिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक तो आपको मिलेगा इथाइल और दूसरा आपको मिलेगा मिथाइल तो दो डिफरेंट मेडिकल पार्ट आपको यहां पर मिले अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर मेरे पास मुझे अगर बनाना है तो फॉर्मेशन के लिए मुझे केवल एक ही तरह के की हो की, होगी जिससे मैं आ, बना सकता हूं। अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है तो देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ हैलाइड दैट इज हैलाइड क्या होगा के CH में जब करेंगे तो आई विल गेट ब्यूटेन एज प्रोडक्ट लेकिन अगर मुझे प्रोपेन बनाना है

ऐसा नहीं किन आटू मिलेगा नहीं मिल जाएगा लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, साथ में मुझे कुछ जबकि मेरी रिक्वायरमेंट आर वन आर टू दूसरा आप सोचिए जब मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेंगे तो इनका सेपरेशन वो फिर एक अलग नया टास्क होगा इसीलिए हम बात करते हैं कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन आपके इलेवंथ एनसीआर में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है कि वाई रिएक्शन इज नॉट अ अटेबल मेथड टू गेट अनसिमेट्रिकल एल्केन इसका मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कैन नॉट बी देखो कैन नॉट बी मेड इन गुड ईल्ड तो गुड ईल्ड के साथ में कौन सा एल्केन नहीं बना पाऊंगा अनसिमेट्रिकल एल्केन में गुड इल्ड के साथ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि साथ में मुझे दूसरे एल्केन्स भी प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं डिवाइड कर पा रहे हैं एनप्टेन की अगर बात करें, तो पास ये है। जरा देखो एनहेप्टेन आइडेंटिकल रेडिकल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक साइड में फोर कार्बन एक साइड में थ्री कार्बन आ रहे हैं मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है मैं इसका फॉर्मेशन तो कर पाऊंगा लेकिन गुड इल के साथ नहीं एनब्यूटेन की अगर बात करें यस एनब्यूटेन ये रहा आपके पास

ब्रोमो पेंटेन आपको दिया हुआ है, ठीक है टू ब्रोमो पेंटेन आपको दिया हुआ है, फ्रॉम आर टू फॉर्म पेंट टू इन यहां पर हमें फिर से मिला है पेंट टू इन जरा रिएक्शन याद आ रही है अभी अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है इसका मतलब आप सोचिए एलिमिनेशन रिएक्शन इवन ई टू के जो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बात करते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट ट्वेंटी फोर के लिए भी तो इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करें ई वन ए टू रिएक्शन एस एन वन एस एन टू रिएक्शन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए तो बात करते हैं इसमें यहां पर उसने कहा कि टू ब्रोमो पेंटेन से हमें मिला पेन इन अब उसमें कुछ उसने दिया हुआ है क्या क्या उसने बोला हुआ है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखो अगर हम बात करें तो यूजुअली इसके लिए हम यूज करते हैं एल्कोहलिक

तो पहले तीन स्टेटमेंट इसके लिए सही है ठीक है इसका मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो ए बी सी आर ट्रू फॉर द गिवन कन्वर्शन ऑप्शन हमारा जिस ऑप्शन में एबीसी दिया हुआ है वो हमारे लिए सही ऑप्शन होगा यस ए बी सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन चला देखो

और यहां पर अगर आप हाइड्रोलिस करोगे तो तीन ओएच ग्रुप आएंगे और तीन ओएच ग्रुप का मतलब एलिमिनेट होकर बनेगा एसिड तो जरा देखो इस कंपाउंड के हाइड्रोलिस से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा इस कंपाउंड के हाइड्रोलिस से बनेगा जो कि आपको आप सीक्वेंस में दिया हुआ है और अगर की बात करें तो यहां पर हाइड्रोलिस से मिलेगा बेंजोइक एसिड क्योंकि इसमें आगे सीक्वेंस में बेन्जेलिएट दिया हुआ है तो हमें यहां पर कंसिडर करना होगा डायलाइट एज द कंपाउंड एक्स इसका मतलब इस केस में क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपको विच ऑफ दूटेबल टू हमें बनाना है जरा देखो, phenol, sodium plus SCL, जरा देखो, देखो, ये nitrous acid का सोर्स होता है और नाइट्रस एसिड की रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती है वो होती है एनोप्लस NO तो यहां पर तो फिनॉल पर जो अटैक होगा वो एनोप्लस NO का होगा EASR के लिए इट्रोसोफिन कंपाउंड यहां पर बनेगा हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन तो ये ऑप्शन तो हम यूज नहीं कर पाएंगे बेंजीन के साथ में एस दिया हुआ है एससीएल अगर बात करें तो डायरेक्ट इसमें सब्सिट्यूशन हो नहीं पाएगा हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स हम यहां पर एससीएल नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल हम बात भी करें तो दैट विल बी एच प्लस और एच प्लस अटैक करके एच प्लस को रिप्लेस करेगा तो वो तो रिएक्शन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ओवरऑल दैर दैट इट्स नॉट ए प्रोडक्टिव स्टेप एडिशन डायरेक्ट पॉसिबल है नहीं क्योंकि कंपाउंड्स पर एडिशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में फेल हो जाती है क्योंकि हम यूज नहीं कर पाएंगे अगर हम बात करें यहां भी एनिलीन आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आप देखो बेंजीन आपको दिया हुआ है क्लोरीन दिया हुआ है और जरा देखो एनहाइड्रिय दिया हुआ है फिर से जरा ध्यान देना लुइस एसिड आ गया बच्चों yes, तो हमारे माइंड में इसके दो नाम आने चाहिए हेलोजन है, कैरियर एंड इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर ये इस हेलोजन को कैरी करके यहां पर इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का काम करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके इसको रिप्लेस करेगा यस यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ईएसआर जरा देखो इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी अभी हमने डिस्कशन में लिया है तो ये यहां पर क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन हम यूज कर पाएंगे ये 2022 का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ईएसआर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां से हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन द गिवन कंपाउंड कंपाउंड जो compound आपको दिया हुआ है है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस कैटेगरी में हम इस कंपाउंड को रख सकते हैं जरा देखो सी एच टू डबल सी एच सी एच क्या मैं बात कर सकता हूं दिस रेडिकल इज नॉन्ड एज अलायल रेडिकल ये आप सभी जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अलायल रेडिकल चलिए देखो

तो जब इस कार्बन कार्बन डबल बोन पर अनसेचुरटेड कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो वो विनाइल हेलाइड होता है और बेंजाइलिक बेनजिक की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं बच्चों दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन यहां पर अगर हेलोजन प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहां पर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये फिर से आपके एनसीईआरटी से उठाई हुई रिएक्शन है फिनॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन है इसे हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं यहां पर आपको कंपाउंड दिया हुआ है क्यूमीन क्यूमीन और cumene की रिएक्शन आपको करवाना है ऑक्सीजन के साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट बिहेव एज अ बाय रेडिकल ड्यूरिंग द रिएक्शन इट बिहेव एज अ बाय रेडिकल चलो इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है आइसो प्रोपाइल बेनजीन मतलब मैं कह सकता हूं कंपाउंड इज क्यूमीन दैट इज द इनिशियल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन आपको दी हुई है ओजोन के साथ में सॉरी ओ के साथ में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग द रियन इट बिहेव एज अ बाय रेडिकल मतलब यहां पर हमें होमोलाइसिस के लिए बेस्ट साइट का सिलेक्शन करना है क्योंकि फ्री रेडिकल बाय रेडिकल इज ऑल्सो फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल अगर अटैकिंग रिएजेंट है तो होमोलाइसिस करेगा हमें होमोलाइसिस के लिए मोस्ट फेवरेबल साइट का सिलेक्शन करना है क्या मैं कह सकता हूं उस कंपाउंड में द मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर होमोलाइसिस इज दिस साइट क्योंकि इसके वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज़ भी होगा और तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस क्यूमीन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा ये कंपाउंड ध्यान देना इस कंपाउंड की अगर बात की जाए जरा देखो उंड इज कंपेरेबल टू एच टू ओ टू हाइड्रोजन परोक्साइड ये पार्ट अगर आप देखेंगे दोनों में कॉमन है, यहाँ पर H की है. Peroxide, और इस का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इस क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट हमें मिलता है फिनॉल प्लस एसिटोन अब मैं उसके डिटेल मैकेजमें नहीं जा रहा हूं ठीक है मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं उसमें ओवरऑल प्रोडक्ट डायरेक्ट फाइंड करने की एक टेक्निक है बाकी तो ठीक है मैकेनिज्म में तो हम बात करते हैं कि इसमें पहले ब्रेक होता है उसके साथ साथ फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है इसमें रीअरेंजमेंट होता है वो सारा प्रोसेस है बट उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं तो यहां पर एक तो आपको मिल जाता है एसीटोन ये पार्ट तो एसीटोन हो गया और ये पार्ट आपके पास हो जाएगा फिनॉल सो द प्रोडक्ट इज फिन प्लस एसीटोन ये मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है डिटेल मैकेनिज्म में मैं नहीं यहां पर जा रहा हूं अभी ज ओवरऑल रिएक्शन तो यहां पर अगर बात की जाए तो जब क्यूमीन की रिएशन ओटू के साथ में होती है तो प्रोडक्ट आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपोरॉक्साइड एस एन इंटरमीडिएट कंपाउंड यहां पर देखो, में यही पूछा है कि इस रियशन में क्या बनेगा तो इट इज क्यूमीन हाइड्रोपोरॉक्साइड जिसका एसिडिक हाइड्रोलिस करने पर फिनोल प्लस एसिडोन बनता है जरा देखो क्यूमिन हाइड्रोपोरॉक्साइड की अगर बात की जाए तो कहां पर क्यूमिन हाइड्रोपोक्साइड ध्यान देना है गलती मत करूमी हाइड्रोपरोक्साइड नहीं है इस सी एच पर यहां पर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होगा तो जरा देखो सी एच पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस होने वाला ये पार्ट है यस दिस इज हाइड्रोपरऑक्साइड ये है आपके पास क्यूमीन आंसर इज ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट ध्यान देना मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट किस कंपाउंड पर प्रोटोनेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमें वो पहचानना है मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट मतलब प्रोटोनेट मतलब किस कंपाउंड को प्रोटोनेट करना मुश्किल है किस कंपाउंड पर H प्लस का एडिशन मुश्किल है हमें यह पता है देखो प्रोटोनेशन 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 डी डी दोनों में अंतर मतलब, proton, मतलब, है मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटोन का एडिशन करना है जरा देखो इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट है पर जरा देखो यह कंपाउंड इज फिनाइल फिनॉल दिस पी इज फिनाइल कंपाउंड आपके पास फिनॉल है और जैसा कि हम बात करते हैं कि फिनॉल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑक्सीजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इज लेस ड्यू टू रेजोनेंस और इसी वजह से हम बात करते हैं कि यहां पर प्रोटोनेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अमंग दीज फोर कंपाउंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय विल गिव एसीटोन आपको दिया है चलिए एसीटोन ले, ले लेते हैं और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब आपको दिया हुआ है यहां पर ग्रेग्नाट रिएजेंट मैं हमेशा बात करता हूं बच्चों ग्रेगनाट्स रिएजेंट के क्वेश्चंस करने की टेक्निक है अगर आप करेक्ट अप्रोच के साथ में ग्रिग्नाट सी के क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं वो क्वेश्चन आपका कभी एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकता आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए ठीक है बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस डिटेल के लिए तो पूरा एक लेक्चर हमें ग्रिगनाट सी के लिए लेना पड़ता है बट मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूं ताकि आप अपनी अप्रोच को सही कर पाए ग्रिगनाट्स रियजन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ग्रिगनाट रियजन अगर आपको रिएक्शन में कहीं पर दिख जाए थिंक अबाउट टू रिएशन आइदर एसिड बेस और न्यूक्लोफ्लिक रिएक्शन आपको दो रिएक्शंस के बारे में सोचना है आज से आप इस बात को तय कर लो कि मुझे अगर रिएक्शन में ग्रेगनाट्स रिएजन दिखेगा तो मैं दो रिएक्शन के बारे में सोचूंगा या तो एसिड बेस रिएक्शन या न्यूक्लोफ्लिक रिएक्शन रिएशन्सुर्त क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा ही है मेरे सामने जब भी ग्रेगनाट्स रिएजन की बात आती है तो बच्चों मुझे दो ही रिएक्शन याद आती है आ एसिड बेस्ड रिएक्शन

ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन सल्फर एसपी कार्बन या फिर हम कह सकते हैं एक्टिव मिथाइलिन यूनिट्स। इन पर अगर हाइड्रोजन आपको मिलता है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है एंड इफ सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड

और अब न्यूक्लोफ्रिक एडिशन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लोफ्रिक पार्ट कार्बन पर एड हो जाएगा और इस ओ माइनस पर एसोसिएट हो जाएगा एम जी सी एल प्लस इसका मतलब यहां पर ग्रेगनाट सीजन में एडिशन प्रोडक्ट जो एडक्ट आपको मिलेगा वो यहां पर ये कंपाउंड मिल जाएगा और आगे आपको बोला जा रहा है इसका हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस मतलब यहां पर एसिड बेस बेसन हो जाएगी ओ माइनस वाटर के साथ एसिड बेस करेगा और फाइनली यहां पर आपको मिल जाएगा एल्कोहल जरा देखो जो एल्कोहल बनाए दैट इज ब्यूटाइल एल्कोहल

एनिसोल इज मिथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसोल अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं फेनिटोल बच्चों इन दोनों के नेम आप याद रखना एनिसोल में मिथॉक्सी ग्रुप आएगा बेंजीन पर और फेनिटोल में इथॉक्सी ग्रुप आएगा बेंजीन पर इसका एचआई के साथ में क्लीवेज है क्या मैं बात कर सकता हूं उसमें यहां पर तो ऑक्सिन का लोन रिंग के साथ में रेजोनेंस में वर्ल्ड है यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखो एच आई के साथ में हम बात करते हैं ईथर की जो रिएक्शन होती है वो यूजुअली एस एन टू रिएक्शन होती है बट समटम्स इट कैन बी एस एन इफ अ स्टेबल कार्बोट कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर रिएक्शन में हम ईथर की रिएक्शन एच आई के साथ में लेते हैं तो यूजअली रिएशन एस एन टू रिएक्शन होती है क्योंकि आई नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लोफाइल बींग ग्यूक्लोफाइल एस एन टू रिएक्शन शो करता है लेकिन अगर आपको ऐसा ईथर दिया जाए जिसमें वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट दोनों साइड में से कैन फॉर्म स्टेबल कैफॉर्म बोले कितना स्टेबल या तो वो थ्री डिग्री होना चाहिए या उस कार्बोटाइन में रेजोनेंस होना चाहिए तो ये रिएक्शन एस हो जाएगी अदरवाइजन एस इज टू क्योंकि यहां पर ना तो हमें थ्री डिग्री कार्बोटाइन मिलना मिलता हुआ दिख रहा है और ना ही रेजोनेंस वाला कार्बोटाइन मिलता हुआ दिख रहा है तो ये रिएक्शन हमारी एस तो नहीं होगी एस नहीं होगी

मिस्टेक्स ऐसे होती हैं इथाइल ग्रुप दिया हुआ है बच्चों इथाइल ग्रुप आपको दिया हुआ है गलती हो जाएगी ध्यान रखना इसीलिए मैं कहता हूं की वर्ड्स को अंडरलाइन करो ऑप्शन में भी की वर्ड्स होते हैं जरा देखो यहां भी इथाइल ग्रुप दिया है मुझे ऐसा लगता है ये दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही आउट हो गए क्योंकि मुझे यहां पर एनिसोल दिया है दैट इज तो मिथाइल वाले आंसर मेरे सही होंगे अब या तो ये आंसर या ये आंसर जरा देखो इस केस में ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जरा देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको दिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्रेट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कंपाउंड में आपको एक तो कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है दूसरा एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है जैसा कि हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपेरिजन में वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिमिटेड कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाता है अगर मैं इन दो फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो इट कैन रिड्यूस कीटोन यस कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करता है इट नॉट रिड्यूस एस्टर एस्टर को यह रिड्यूस नहीं कर पाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है सोडियम प्रोहाइडेट की अगर बात करें तो एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करेगा एल्कोहल में तो अगर हम बात करें एस्टर ग्रुप विल रिमेन अनबोनाइल ग्रुप विल रिड्यूस तो ये तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है और एस्टर ग्रुप इसमें एज इट इज ए तो यस दिस इज द करेक्ट आंसर यहां पर इसने एस्टर को भी अफेक्ट किया है जो कि नहीं होना चाहिए आगे के ऑप्शंस की अगर बात की जाए जरा देखो यहां भी एस्टर ग्रुप को अफेक्ट किया है कार्बोन ग्रुप को रखा है 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 ये ये भी भी गलत गलत यहां पर दोनों को रिड्यूस कर दिया सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट जिसमें कार्बोन ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है वो रिड्यूस हुआ है एस्टर ग्रुप एज इट इज है ये अफेक्ट नहीं हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ल्यूक टेस्ट ल्यूकास टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शियल टर्सियल का टेस्ट होता है प्राइमरी एंड टर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड प्लस जिंक क्लोराइड कंसंट्रेटेड एसियल एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट अगर हम बात करें रिएक्शन की तो अल्कोहल की रिएक्शन जब आप एस के साथ में लेते हैं दिस इज कंसंट्रेटेड एससीएल इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड

प्राइमरी जैसे मैं स्पेसिफिक ले लेता हूं टर्शी एल्कोल अगर मैं इन तीन एल्कोहल की बात करूं तो देखो इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्पेटाइन आपको टर्स एल्कोहल से मिलेगा और जिस एल्कोहल के करस्पोंडिंग बनने वाला कार्पेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है वो एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट, फास्ट होगा उसी में आरसीएल का फॉर्मेशन सबसे एल्कोहल मतलब की बात की जाए तो लुकास रिएजेंट के लिए, लुकास के लिए जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मिलता है 3 degree, 2 degree, 1 degree. अगर हम पर बात करें तो यहां पर टू टू थ्री सेकेंड मतलब वेरी फास्ट इंस्टेंट आपको टर्बिरिटी मिलती है

distinguished on the basis of their reactivity with concentrated HCl plus zinc chloride known as Lucas reagent statement 2 ye to pehla statement ho gaya statement 2 mein usne aapko diya hai primary alcohols are most reactive and immediate produce turbidity at room temperature sara statement hi galat ho gaya kyunki agar main primary alcohol ki baat karu तो primary alcohol तो initially turbidity appear करते ही नहीं है react ही नहीं करते हैं heat करते हैं तब 30 minutes के बाद में इस पर टर्बिडिटी अपीयर होती है इसका मतलब यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है कि प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव है नो no, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है और इमीडिएट प्रोड्यूस टर्बिलिटी या रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते ही नहीं है स्लाइटली हीट करना पड़ता है ऑन रिएक्शन विद विदास रीजन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो क्या मैं कह सकता हूं पहला ऑप्शन ट्रू है क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल कोल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ये बिल्कुल सही बात है, लुकास थीजन को यूज करते थीजन। ये है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर यस ये हमारा ऑप्शन होगा और दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट नो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर आर करेक्ट ये भी गलत है तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट टू इज इन करेक्ट वन इज करेक्ट टू इज इन करेक्ट यह आंसर हमारा सही रहेगा सो द द द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नेक्स्ट फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एल्कोहल आपको दिया हुआ है एचबीआर के साथ में रिएक्शन है देखो एल्कोहल की एचपीआर के साथ में अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा पहले इसमें एसिड बेस होगा एसिड बेस होकर एच प्लस यहां पर एड हो जाएगा इस एचप्रेस के एडिशन के साथ में अब हम बात कर सकते हैं नाउ नाउच ग्रुप हैज बिन कन्वर्टेड इन टू गुड लिविंग ग्रुप और ये गुड लिविंग ग्रुप के चलते यहां पर लीव करके फॉर्मेशन फॉर्मेशन करेगा के बाद में कि हम बात करते हैं में होता है रीअरेंजमेंट तो यहां पर हम बात करेंगे हाइड्रेट शिफ्ट की वन टू हाइड्रेट शिफ्ट वन टू हाइड्रेट शिफ्ट के थ्रू वन टू हाइड्रेट शिफ्ट के थ्रू ये कार्पेटाइन कन्वर्ट हो जाएगा मोर स्टेबल कार्पेटाइन में दैट इज दिस कार्बेटाइन और अब यहां पर अटैक होगा बी आर माइनस का और इस तरह से रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा और डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ट्वेल्थ सेकेंड वॉल्यूम एल्कोहल फिनॉल ईथर यूनिट नंबर इलेवन का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है एनसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीआर की थ्योरी को आप पढ़िए बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़िए क्योंकि ऐसा नहीं है देखो हम जो आपको क्लास में नोट्स लिखवाते हैं वो डेफिनेटली एनसीआर का हंड्रेड परसेंट कवरेज होता है बट स्टिल हम एनसीआर पढ़ने के लिए आपको क्यों बोलते हैं क्योंकि हम एनसीआरटी के कंसेप्ट को उसकी लैंग्वेज को ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको कंसेप्ट डिलीवर करते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है उस कंसेप्ट को लैंग्वेज के साथ साथ आपको एनसीआर लैंग्वेज में भी उसको समझ में आना चाहिए आप उस कंसेप्ट को एनसीआर की लैंग्वेज में भी रिलेट कर पाए इसलिए एनसीआरटी की थ्योरी पढ़ना जरूरी है तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस आप प्रीवियस के क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो आंसर हमारा जो यहां पर बनेगा वो आंसर बनेगा हमारे पास ये कंपाउंड अगर मैं इसका आयुपेक नेम की बात करूं तो आईपेक नेम हो जाएगा इसका टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन यस तो करेक्ट आंसर इज टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन जरा ऑप्शन पर आ जाते हैं ये गलत आंसर हो जाएगा यह भी गलत आंसर हो जाएगा यह भी गलत यस दिस इज द करेक्ट आंसर टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन ईथर की एचआई के साथ में रेशन, ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा बात करता हूं यह काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर में से बच्चों अगर ईथर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना तो मैं आपको कह रहा हूं कि दो क्वेश्चन दो रिएशन को आप में रोना तो, तो 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 के साथ में सोडियम मतलब एल्कोक्साइड के साथ में क्वेश्चन तो वहां से आता है या इसकी केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है इथर की एचआई या एचपीआर के साथ में ये दो रिएक्शन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें 99.99% चांसेस है नाइन नाइन परसेंट चांसेस इथर चैप्टर में क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा चलिए फिर एचआई हाँ के साथ में रिएक्शन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, और की इथर के साथ में जो रिएक्शन होती होती है, usually SN2 होती है, बट अगर हाइड्रोकार्बन जो इथर में प्रेजेंट है एनी ऑफ तो थ्री डिग्री बने या कार्बेटाइन में रेजोनेंस आए तो रिएक्शन का SN1 होता है। देखो, पर मुझे SN1 होती नजर आ रही है

ऑप्शन इज टू दिस इज द करेक्ट आंसर यस सो दिस इज ऑल अबाउट द द वर इन लास्ट फ्रॉम चैप्टर्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एंड एल्होल फिनॉल ईथर आई होप ये ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि कोशिश की गई है कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपको दिए जाएं ताकि आपका रिवीजन भी हो और जैसा कि मैंने आपसे कहा लास्ट ईयर्स के कुछ ईयर्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि या तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि जो क्वेश्चन उन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यूजली पूछे जाते हैं उसको हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं बट ऐसा देखा गया है उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ये सेशन आपके लिए बनाया गया है सो विश यू ऑल द बेस्ट फिर से मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में